हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द बसुम का चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज मैं ऑलरेडी एक डिश बना रही थी, तो उसी के साथ साथ मैं सोच रही थी मैं एक और डिश बना दूँ। तो ये जो डिश है वो मैं बनाने जा रही हूँ, दाल तड़का, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बनेगा घर पर। स्पेशली दाल जो है, काफ़ी लोग घी राइस के साथ खाते हैं, स्पेशली दाल जो है सब लोग घी राइस के साथ खाते हैं, प्लेन राइस के साथ खाते हैं। तो ऑब्वियसली दाल अगर टेस्टी है तो ऑब्वियसली, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि मैं वेज में बनाऊँ कोई कुछ भी रेसिपी। अगर वेज में स्पेशली मेरे फ्रेंड्स चाहते थे कि मैं वेज का एक व्लॉग बनाऊँ, तो वेज का ही समझ लीजिए, बस उसी के लिए मैं एक दाल तड़का बना रही हूँ, जो आप कभी भी ट्राई कर सकते हो, घर पे खा सकते हो इसको बना के रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपको ऑर्डर करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए, दाल तड़का घर पे कैसे बनाया जाता है और रेसिपी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये कितना सिंपल और कितना टेस्टी बनेगा, कितने कम समय में बनेगा, ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरे किचन में। चलिए, सोचिए कि मैं दाल तड़का बनाऊँ। कि दाल तड़का बनाने के लिए हमें एक कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुकर जो है वो यहाँ पर रेडी है ऑलमोस्ट, एंड उसके बाद में मैं लूँगी एक बाउल पानी, जो कि मैं इसके अंदर डालूँगी। ये रही मसूर की दाल, जिसको मैं अभी वॉश करूँगी। मैं हर बार मसूर की दाल ही यूज़ करती हूँ दाल प्रिपेयर करने के लिए, बहुत अच्छा है और इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहता है। स्पेशली दाल तड़का अगर आप कुछ ऐसा आइटम बना रहे हो तो आप प्लीज़ ये दाल यूज़ कीजिएगा। सबसे पहले मैं इसको वॉश करूँगी और फिर मैं कुकर में डाल दूँगी। तो अब हम इसमें डालेंगे नमक क्वांटिटी के हिसाब से, थोड़ी सी लाल मिर्च क्वांटिटी के हिसाब, थोड़ी सी इमली, बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मेरी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा डाला। थोड़ा सा आप जीरा डाल सकते हो, चाहे तो आप जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दीजिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये जो धनिया पाउडर है घर का है। मैं सारे मसाले जो है वो गरम मसाले कुछ भी हो मैं घर के ही यूज़ करती हूँ, रेडीमेड कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। तो देख सकते हो मैंने 2 से 3 टमाटर यहाँ पे लिए हैं और वो कटे हुए टमाटर हैं, इतने बड़े पीसेस नहीं, बस छोटे छोटे पीसेस में आप चॉप करके यहाँ पर डाल दीजिए। तो आप डालोगे इसमें छोटे से लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल छोटे स्पून के साथ फ्रेश लहसुन का पेस्ट यूज़ कीजिएगा हमेशा। हरा धनिया जिसको मैंने बारीक सा कटा हुआ हमें लेना है, और ग्रीन चिल्ली जिसको मैंने चॉप किया अलग ही डिज़ाइन में, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि दाल तड़का जो है वो हम रेस्टोरेंट टाइप में बना रहे हैं। मसाले जो है वो मैंने डाल दिए हैं, अब बारी आती है कुकर को ढकने की, और वो मैंने ढक दिया है। और अब हम लेंगे 2 से 3 सीटियाँ कुकर की, और उसके बाद में हम दाल को जो है वो मिक्स करेंगे, यानी कि हम उसको घोटेंगे। और वो भी बहुत आसान तरीका है किस तरह से हम घोटेंगे उसको, मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और जैसे मैं बता रही थी, दाल घोटने के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये बहुत सिंपल और बहुत ही आसान है, टाइम सेविंग लगता है मुझे पर्सनली, बिकॉज़ आई डोंट नो ये काफ़ी लेडीज़ घर पे यूज़ करती है या नहीं, बट मैं रेकमेंड करूँगी सबको ये यूज़ करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल और टाइम सेविंग टास्क है दाल घोटने के लिए, क्योंकि दाल जो है घोटने से अगर घोटा जाए तो इट वॉज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, आई डोंट नो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, बट तो इसको घोटने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 1 से 2 मिनट लगेगा मैक्स, आप इस उसमें आपकी दाल ऑलमोस्ट घोटी जाएगी। एंड सेकेंड थिंग इज़ आपको उतना डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। एंड मैंने एक सीटी एक्स्ट्रा ले ली है और फिलहाल तो मुझे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलिए देखते हैं, अब आ रही है कुकर को अनलॉक करके ओपन करके चेक करने के लिए कितनी हमारी दाल गल चुकी है। जैसे कि जब मुझे लगता है दाल ऑलमोस्ट गल चुकी है, क्योंकि मैंने एक सीटी एक्स्ट्रा ही लिया था और उसके बाद खुशबू जो है दाल के पकने की बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम उसको चेक करेंगे, घोटेंगे और फिर उसका बघार लगाएंगे, यानी कि फ्राई तड़का लगाएंगे दाल को। मेरी ही दाल जो कि ऑलमोस्ट गल चुकी है और अब मैं इसको घोटने वाली हूँ, आप सब एक बार देख लीजिए किस तरह से हम घोटेंगे। ये इतनी जो ऐसी दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसी नहीं लगेगी घोटने के बाद, थोड़ी थिक है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा थिक सालन प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा पानी कम डाला है। और अगर आगे मुझे ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो मैं थोड़ा और ले लूँगी,
तो फिलहाल के लिए मैं घोट देती हूँ इसको। इसको बस मैंने यहाँ पे ऐसे प्रेस किया और इसको मैं बस ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करूँगी। ओके, तो दाल जो है वो मैंने फाइनली घोट दी है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। तो इसके बाद अब मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। बता रही थी कि मैंने यहाँ पे तड़का लगाने का मसाला रेडी कर लिया है। थोड़ी सी कटी हुई प्याज, बारीक प्याज, और दो लाल मिर्च, और करी लीव्स थोड़े से, और थोड़ा सा राई। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे चूल्हे रख दिया है ये फ्राई करने के लिए। और देख सकते हैं मैंने इसमें डाला है राई, फिर करी लीव्स, और फिर मैंने प्याज। जब तक प्याज अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। और एट द एंड में डालूंगी थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ताकि उसमें लहसुन का फ्लेवर आए, स्वाद आए। तो प्याज जो है वो धीरे धीरे से ब्राउन हो रही है, इसका कलर काफ़ी प्यारा आ रहा है। अब इसमें मैंने ऑलरेडी डाल दिया है गार्लिक, अब डालूंगी मैं इसमें लाल दो मिर्च। सो ये रही वो लाल दो मिर्च, ताकि इसमें और मज़ा आएगा। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर उसके अंदर मिक्स कर दें। वो मैंने ऑफ कर दिया है, इसी के अंदर लाल मिर्च है और ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, देख सकते हो दाल तड़का जो वो है वो कितनी बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो चुका है। इसके सारे फ्लेवर्स इसमें गए हैं और ये काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप खाने में और मज़ा आएगा, देखते हैं कैसा रहेगा खाने में। तो जैसे कि मैंने बताया कि दाल तड़के का मैं फाइनल लुक बता रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे दाल तड़का कितना प्यारा और कितना लजीज लग रहा है। आप इसको कभी भी घर पर बना सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी है और यम्मी है।